This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लाइव वायर की इस ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतिखाब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे और अपने घरों और दफातर में महफूज होंगे। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और ऑलमोस्ट डिफरेंट शहरों से डिफरेंट खबरें आ रही हैं। अगर कराची की बात करें तो कराची में कहा जा रहा है कि आने वाले 24 और 48 घंटों में मज़ीद सर्दी पड़ सकती है। और आपको बहुत बेहतर पता है जो कराची का क्लाइमेट है और कराची का जो लिंक होता है वो सर्दी का, वो कोयटा से होता है। तो कोयटा में भी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कोयटा में जो है वो इजाफा हो चुका है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। अब देखना ये होगा, वो भी मनफी है, उसके बाद की क्या सूरत हाल रहती है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, सर्दी से बचिए और मौसम को एंजॉय कीजिए और कुछ ऐसी चीज़ें मत खाइए जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। हाउ नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कि होने वाली मुल्क के मौसम की। टेम्परेचर तो सर्द हो रहा है लेकिन सियासी और माशी मौसम जो है वो गर्म है, उसमें गर्मा गर्मी है। सबसे पहले आपको पोलिटिकल अपडेट दे दें। इस वक्त जो नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उनके केसेस अदालत में चल रहे हैं जिसकी वजह से एक अनसर्टेन सिचुएशन बनी हुई है पूरे कॉर्पोरेट में, खुसूसन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल हुआ हुआ है। और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि हमारा जो अकाउंट डिफिजिट है वो बढ़ता जा रहा है, सर्कुलर डेट भी आपके सामने है। उसके साथ साथ अभी जो फ्रॉड का वाकया हुआ है इसने सबकी आंखें खोल दी हैं। फॉरनर्स पकड़े गए हैं फ्रॉड को लेकर और ATM पे जो स्कीमिंग हुई है उससे हमारे लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। देखना ये होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरीके से उन फॉरनर्स जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उनकी गवर्नमेंट से और उनके सफारती इदारों से कैसे राबता करके आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और आपका जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करते हैं। तमाम कन्वेंशन बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हेड ऑफिस से रिपोर्ट्स आती रहीं गुज़िश्ता 2 साल की, उसमें ये कहा गया था कि डिफरेंट जगहों पर ATM से जो है स्कीमिंग हो रही है और कुछ तो FIA के पास ऑलरेडी रजिस्टर थे ये लोग, लेकिन उसके बाद उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई, खामोशी इख्तियार कर गए। लेकिन जब ये मामला हसास नौयत का और बढ़ चुका था, क्योंकि हमारे यहाँ से जब ये चीज़ हुई, ये जो भी वाकया हुआ, तो उसको पकड़ने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए और खामोश हो गए, साइलेंट हो गए, जिसके बाद से उन तमाम तर लोगों को जो ये गलत काम कर रहे थे, फ्रॉड का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया गया। तो उनको और जो है सपोर्ट मिली और अब आप देख लें, कहा जा रहा है जो रिपोर्ट के मुताबिक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ भी रिपोर्ट जारी की है, 559 कस्टमर्स जो हैं वो विक्टिमाइज हुए हैं और टोटल लॉस जो हुआ है वो ₹10.2 मिलियन का हुआ है। चलें जी, ये तो सारी सूरत हाल है, इस पर भी हम आपको पूरा दिन अपडेट कर देंगे और मज़ीद बता देंगे किस तरीके से मामलात आगे जाकर कितने बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त जो है स्टॉक मार्केट का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। स्टॉक मार्केट जो है 15 पॉइंट्स के साथ ओपन हुई है। अब देखना ये है कि आज सारा दिन क्या कंसिस्टेंसी रहती है, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से ट्रिगर्स होते हैं जो मार्केट के लिए सपोर्टिव होते हैं या सपोर्टिव नहीं होते, इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। अब कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन का प्रोसेस क्या है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने एजुकेशन पर बात की थी, आज सुबह सवेरे भी हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एडवांसमेंट के लिए यूनिवर्सिटीज़ का रोल और ऐसी डिग्रीज़ का रोल जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जिसको वैल्यू किया जाता है। हम CA का बड़ा नाम सुनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा नाम सुनते हैं कि जी अकाउंटेंट जो है अगर ये कर लें, अगर जो भी जिनका अकाउंट्स में जो लोग बहुत अच्छे हैं या जिनको CA करने का शौक़ होता है वो क्या करते हैं। पाकिस्तान में इसका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान में कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं और हमारे पास नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स जो इनरोल होते हैं वो क्या हैं, ये इसी सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और पाकिस्तान में हम समझते हैं कि हर सेक्टर में, हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में हमें बेहतर से बेहतर लोग नज़र आए हैं, स्टूडेंट्स नज़र आए हैं, कैंडिडेट नज़र आए हैं, उसके बाद जब वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो यही लोग जो है दूसरे ममालिक में जाकर सर्विसेज करते हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट इदारों में सर्विसेज करते हैं, पाकिस्तान के पब्लिक प्राइवेट में सब जगह पर लगे हुए होते हैं, जो कि एक बहुत खुश आइंद बात है। इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें सब सवेरे ज्वाइन किया है मिस्टर अब्दुल मालिक साहब।
आपने ज्वाइन किया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एंड सेक्रेटरी हैं आई कैप के, अब्दुल मालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक रोहिल, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। सर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए जिसको हम कहते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें मुझे एक मिनट चाहिए, अगर यू वांट टू, हम बैकग्राउंड समझना चाहते हैं तो इट गोज़ बैक कुछ 150 साल पहले, 130 साल पहले समझने के, इंग्लैंड एंड वेल्स में एक इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में आया जिसको नाम दिया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इंग्लैंड एंड वेल्स। ये पहली प्रोफेशनल अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुई दुनिया में। यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन की बुनियाद रखी गई। इसके पहले जो लोग ये हिसाब किताब का काम करते थे, अकाउंटिंग का काम करते थे, उनको बुककीपर्स कहा जाता था जी। ये अकाउंटिंग एज ए प्रोफेशन उस वक्त तक रिकग्नाइज नहीं हुआ था। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंग्लैंड एंड वेल्स के क़याम के बाद ये एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी के बाद अकाउंटिंग एज ए प्रोफेशन उभर के सामने आया। यह 1880 में हुआ और बहुत जल्दी, चूंकि बरतानिया की हम कॉलोनी थे, ये जो बरसगीर पाक व हिंद का जो इलाका है, तो बहुत जल्द ही ये डेवलपमेंट इस इलाके में, इस रीजन में भी आ गया। और जो इंग्लैंड की चार्टर्ड अकाउंट फर्म थी वो उन्होंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में अपनी ऑफिसेस खोलना शुरू की थी, बिकॉज बरतानिया का बहुत सारा बिजनेस इंडो पाक से हो रहा था, ट्रेडिंग बहुत सारी हो रही थी, उनकी कंपनीज यहाँ खुल रही थी। तो से बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, फिर बाद में लाहौर में, इस तरह से ऑफिसेस खुलते गए। जिस फॉर्म से, जैसे मैंने सीए किया एएफ फर्गसन एंड कंपनी, उसकी भी जो बुनियाद यहाँ पर रखी गई थी, पहली ऑफिस खोली गई थी, तो वो 20वीं सदी के अवाइल में, तकरीबन 1910-1912 में। तो इतना पुराना इसका हिस्ट्री है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन की, मोर देन यू नो 130 ईयर्स की उसकी हिस्ट्री है। ये तो उसका हुआ बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड इस हवाले से कि चार्टर्ड अकाउंट क्वालिफिकेशन क्या है, चार्टर्ड अकाउंट क्वालिफिकेशन एक बहुत ही वाइड स्कोप है उसका, उसके एकेडमिक सब्जेक्ट्स का जो पढ़ाए जाते हैं और जिन पे इम्तहान लिए जाते हैं और जो उनको ट्रेनिंग मिलती है। और ये अगेन अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन जितने भी है उसमें एक वाहिद क्वालिफिकेशन ऐसा है कि जिसमें ट्रेनिंग शुरू से हो जाती है और साथ साथ आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। जो बहुत सारे और अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन आप देखते हैं तो उसमें पहले आप एग्ज़ामिनेशन हो जाते हैं, एकेडमिकली आप पास कर जाते हैं और फिर उसके बाद आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लेवल हैं जिसमें कोई स्टूडेंट गुजरता है और वो फाइनली क्वालिफाई करता है। और हर लेवल पे एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने आप को असेस करता रहता है कि उसकी काबिलियत, उसकी सलाहियतें उसको कहाँ तक ले जा सकती हैं कि फाइनली सी ए कर ले। सबसे पहला लेवल जो हम ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को, और ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए भी समझना और पेरेंट्स के लिए भी समझना, कि सबसे पहला जो हम उनको ऑफ़र करते हैं वो एक चार पेपर्स होते हैं जिसकी हम तैयारी कराते हैं और उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्पिटेंसीज, एएफसी कहते हैं। ठीक। उन चार पेपर्स की तैयारी के बाद वो एग्ज़ाम देता है स्टूडेंट। उस वक्त स्टूडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने आप को असेस करते हैं कि क्या मैं, मेरे पास इसको करने के लिए एप्टीट्यूड है, स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंस है और मैं आगे पढ़ूं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी ये एक पड़ाव होता है समझ लीजिए, कि जहाँ पर दे हैव टू टेक फर्दर डिसीजंस एज टू मूव फॉरवर्ड। फिर उसके दो तीन लेवल्स और हैं। तीसरा लेवल आखिरी लेवल होता है जब स्टूडेंट जो है अपना दो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल के, वो देता है, फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। फिर एग्ज़ाम पास करने के बाद वो इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं मेंबरशिप के लिए, और मेंबरशिप मिलने के बाद फिर एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। कितना ईयर का ड्यूरेशन है सारे प्रोसेस? तकरीबन 5-5.5 साल लगते हैं शुरू से, जब इंटरमीडिएट से कोई स्टूडेंट करने के बाद या ए लेवल्स करने के बाद जब हमारे फोल्ड में आते हैं। हमारे दोनों जगह से लोग आते हैं, ए लेवल से इनफैक्ट आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। पहले एक और बात क्लियर कीजिएगा, ये सर्टिफिकेट होता है या डिग्री प्रॉपर होती है, इसको इसकी पोजीशनिंग क्या है? देखें, डिग्री तो जो यूनिवर्सिटीज से मिलती हैं आपको वो डिग्रीज होती हैं ना, जिनको हम डिग्री अवार्डिंग इन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट कहते हैं। इसको डिग्री नहीं कहते हैं, इसको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। ठीक है। बट ऑब्वियसली इसके बहुत, ACCA का भी हमने बड़ा एक दौर देखा लेकिन अब इतने नंबर्स हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हम CA पे ज़्यादा बात करेंगे। HEC से इसकी कोई एसोसिएशन है?
एच से हमारी एसोसिएशन इस तरह से है कि जो मेंबर सीए कर लेता है, चार्ट अकाउंट बन जाता है, उसके बाद एज ऑफ नाउ जो हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ पर एच हमारे उस क्वालिफिकेशन को एम कॉम के बराबर का इक्विवेलेंस देता है। ठीक है, मतलब जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया आप एच में अप्लाई करते मास्टर्स हैं इन कॉमर्स का, मास्टर्स इन या कोई भी मास्टर्स हो, सिर्फ कॉमर्स का, मास्टर्स इन कॉमर्स वक्त हम हैं अभी, लेकिन हमारी बातचीत एच से चल रही है। और एच ने एक्चुअली अपना मास्टर्स, जिसको वो मास्टर्स बाकी सब्जेक्ट्स में कहते हैं, उसके नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा दिए है। अच्छा, जहाँ पहले हम 14 साल में, हम 16 साल में मास्टर्स कर लिया करते थे, अब उन्होंने इसको 18 साल कर दिया। एमबीएस की ड्यूरेशंस भी बढ़ा दिए गए हैं। अब हम बात करने लगे हैं एचसी से, इनफैक्ट वी आर इन क्वाइट एन एडवांस स्टेज, कि हमारा जो क्वालिफिकेशन होता है, जो बच्चा है 5.5 साल इस पूरे प्रोसेस से गुजरता है, उसके क्रेडिट आवर्स अगर सारे इकट्ठे किए जाएँ तो वो 18 साल के एजुकेशन के क्रेडिट आवर्स के बराबर बनते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इतना आसानी से एच ई सी विल नॉट एक्सेप्ट, वी आर गिविंग देम एविडेंस, हम बता रहे हैं उनको। आपकी उनसे नेगोशिएट चल रही है, आप मुज़ाकरात उनसे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर। किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे आई कैप के एजुकेशन सिस्टम को और ग्लोबल जो सिस्टम है जहाँ पर सी ए करवाया जा रहा है, वो क्या एक ही सिमिलर है, एक ही लेवल है, या कितना डिफरेंट है? हाउ डू यू कंपेयर इट सर? देखें, ग्लोबली जैसे मैंने कहा कि सीए का क्वालिफिकेशन वहाँ वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ जहाँ पर जो जो बर्तानिया की कॉलोनीज थी। ठीक, फॉर इंस्टेंस यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स हैं। अब हमारा पाकिस्तान का जो क्वालिफिकेशन है, एक तो ये बात याद रखें कि न सिर्फ आज से आप 40 साल पहले भी जाएंगे तो पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंट जो है वो दुनिया के किसी भी चार्टर्ड अकाउंट से कंपेरेबल था। ठीक, उस वक्त भी था और आज भी है। और हमने ओवर द लास्ट जो कि 4-5 डेकेड्स में मुसलसल हम कोशिश करते रहते हैं कि जो हमारा करिकुलम हो, जो हमारा सिलेबस हो, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से साथ साथ चलता रहे। सही बात है। और हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम भी है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता रहे। एक इदारा है दुनिया में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, आईफैक। यस, आईफैक। 130 जो बॉडीज़ हैं, अकाउंटिंग बॉडीज़, वो उसके मेम्बर्स हैं। वो एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रिस्क्राइब करते कि ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैप जो है उसके काफ़ी सारे मराहल से आगे गुजर चुका है और हमने वही स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए हैं हमारे करिकुलम में भी और हमारे एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स में भी। उसके एविडेंस आप देखें, मैंने आपको बताया कि जो 40 कंट्रीज में चार्टर्ड अकाउंट्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंट, और ये कोई छोटी मोटी पोजिशंस पर नहीं काम कर रहे हैं, बहुत सारे मिडल ईस्ट में तो स्पेशली आप देखेंगे, इनफैक्ट इन यूके एज वेल, वो CFOs हैं, कई कई CEOs हैं। मैं अपने लोगों को जानता हूँ, मेरे बैच के एक स्टूडेंट था जो चार्टर्ड अकाउंट फर्म से किया था, वो अमेरिका में बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी का CEO है। इतनी अच्छी बात लगती है सर, हमारे यहाँ के लोग, हम ग्लोबल जगह, पाकिस्तान में तो लग जाते हैं लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हो गई या बाहर के इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहाँ पर अच्छी पोजिशन पर काम करते हैं, ये बड़ा हमारे लिए बड़ा प्राउड होता है। ठीक है सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कहा जाता है कि सीए जो एग्ज़ामिनेशन है बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है और इसको पास करना, इसको मैनेज करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटेंशनल कंट्रोल और आउटपुट ऑफ इंस्टीट्यूट है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा इसको बताइएगा कि क्या प्रोसेस होता है, स्टूडेंट क्यों थोड़ा सा घबराता है और करने से पहले भी और करने के बाद भी वो एक स्ट्रेस और टेंशन में रहता है। देखिए, ये परसेप्शन ज़रूर है जो आप कह रहे हैं, आम फहम में किसी भी से आप बात करेंगे वो एग्जैक्टली यही बात करता है, लेकिन मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये होगी कि हर स्टूडेंट जो सीए करना चाहे वो सबसे पहले आकर इंस्टीट्यूट में आकर इंफॉर्मेशन ले, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले कि ये प्रोसेस चलना कैसे है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस किस लेवल पे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम फर्स्ट लेवल पे स्टूडेंट को 4 पेपर्स के एग्ज़ाम लेते हैं, ये 4 पेपर्स अकाउंटिंग और फाइनेंस के नहीं होते हैं। ठीक, ये होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में, आईटी कैप और इस तरह से एक और उसमें आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं वो उसमें हम पहले उनको एक सिलेबस देते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर उसको एग्जामिन कर, हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें जो है ना, ये 4-5 सब्जेक्ट्स जो है आखिर तक स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको सी एस को पास कर लेना है, तो हम तैयार करते हैं पहले स्टूडेंट को, फिर उनको असेस करते हैं कि ये इस 4 पेपर्स में कहाँ खड़े हैं
इन टर्म्स ऑफ, और स्टूडेंट को भी चाहिए कि अपने आप को असेस करे, और जो हमारे ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं वो भी स्टूडेंट को हेल्प करते हैं इसमें तो असेस देमसेल्फ कि वो आगे सीए करने में उनको क्या मुश्किलात आ सकती हैं, किन किन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके बाद उनको एडवाइस करते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसा क्वालिफिकेशन है जिस पे जब आप सीए कर लेते हैं बहुत भारी जिम्मेदारियाँ आती हैं। आप ऑडिट करते हैं बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ऑडिट करते हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है जिसने इन्वेस्ट किया है पैसा, वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। Exactly. उसकी बेसिस पे इन्वेस्ट करता है और उसकी रिपोर्ट शाया होती है, फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाती है, लोग आपकी ही ऑडिट की भी रिपोर्ट पर जो है लोग अजम्पशंस करते हैं, परसेप्शन करते हैं, उसी को देख के जो है नतीज के साथ आगे डिसीजन लिए जाते हैं। नॉट ओनली दिस, इसके बाद जब आपको इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स करने होते हैं तो वही ऑडिट रिपोर्ट जो है आपके जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के पास जाती है, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं। तो इतना भारी जिम्मेदारी का काम है, और नॉट ओनली जिम्मेदारी के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ अकाउंटिंग का रोल नहीं होता है। सही बात है। जो हम हमारे सिलेबस होते हैं, हमारी ट्रेनिंग होते हैं, ये अकाउंटिंग के अलावा लॉ, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, आईटी, ये सब चीज़ें जो है हम पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। सो दैट जब एक स्टूडेंट ऑडिट कर रहा होता है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जब वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर रहा होता है, रिव्यू कर रहा होता है, तो उसको ये सारे एस्पेक्ट्स मालूम होने चाहिए जब वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करता है, तभी जाकर के किसी का ट्रस्ट उन रिपोर्ट्स पे आता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ये जो करिकुलम हो और एग्ज़ामिनेशन हो वो इतना होना चाहिए कि स्टूडेंट को तैयार कर सके। हैविंग सेड सो, एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, लोगों को पास होते देखा है, लोगों को फेल होते देखा है, एक चीज़ चाहिए जो आपका डिटर्मिनेशन, कि वंस यू एंटर दिस प्रोफेशन डिटर्मिनेशन होना है, आपको पास करना है, और उसके लिए ज़रूरी है डेली बेसिस पर रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे। मालिक साहब, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की है, मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने आधा किया आधा छोड़ दिया, यार कंटिन्यू नहीं कर सके, हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, दीगर हमारी एक्टिविटीज़ भी हैं, हम वर्क भी करते हैं, इस पे स्टूडेंट जो है थोड़ा सा वो बैक हो जाता है और भी बहुत कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। तो दूसरा मुझे बता दीजिए कि स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से वो चैलेंजेस से निपटे, ये भी एक चैलेंज है उनके लिए, और कुछ स्टूडेंट्स जो है इसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं वो सख्त हालात सख्त दबाव के बावजूद कंप्लीट करते हैं। आपको पता है कुछ पर्सनैलिटीज़ में इगोस्टिक शुरू से ही होते हैं, बस करना है तो करना है, जब स्टार्ट ले लिया तो इसको फिनिश करना है, फेल नहीं होना, फेलियर अटैम्प्ट नहीं करना, आधा नहीं छोड़ना। कुछ स्टूडेंट्स की साइकी ये भी होती है और कुछ जो है वो हार मान जाते हैं, आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट को, और देखें बहुत सारे लोग जो इस प्रोफेशन में आते हैं, बच्चे जो पास्ट में भी, आज से 30 साल पहले जब मैंने लिया, मैंने सीए करना शुरू किया, ये एक बहुत ही मॉडस्ट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, एलेवेंस का तो आपको पता ही है वो सारा बैकग्राउंड कौन सा होगा। हाँ, दैट्स राइट, ये बहुत ही मॉडस्ट फैमिली बैकग्राउंड से, आज भी हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अगर आप कराची लेंगे तो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजमाबाद, कटीबी एरिया, न्यू कराची, वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनके लिए लाइफ चेंजर है, और ये फैक्ट है, ये कोई एक कोई क्लिशे नहीं है, ये फैक्ट है कि एक बच्चा जो उस मॉडस्ट छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड से आता है, जब वो सीए कर लेता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी फैमिली की पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तो जब उसको ये तय करना है कि उसको कितनी मेहनत करनी है, तो उसको ये जहन में रखना होगा सबसे पहली चीज़ कि ये उसके लिए नहीं, उसकी पूरी फैमिली के, इट्स अ गेम चेंजर। एक वहाँ से उसको डिटर्मिनेशन मिलता है टू वर्क हार्ड। फॉर इंस्टेंस, जब मैं 5 साल जब ये सीए की पढ़ाई कर रहा था, सुबह से लेकर शाम तक वो ऑडिट पर जाता था, ट्रेनिंग करता था, मैं यकीन जी कि मैं अंग्रेज़ इंडियन फिल्मों का बड़ा शौकीन था, VCR का ज़माना था उस वक्त, वो 5 साल मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी कंप्लीट ब्लैकआउट थे, मैंने शायद कोई इक्की दुखी ही कोई इंडियन फिल्म देखी हो। वीकेंड्स पे भी नहीं, आपको वीकेंड पे भी नहीं मिलता था टाइम, क्योंकि अक्सर तो आपको ऑडिट पे ओवर टाइम पे जाना पड़ता था, और जो टाइम मिलता था आपको बस वो पढ़ाई के लिए मिलता था। तो अगर इतना डिटर्मिनेशन पैदा करना मस्ट है आपको, उसके बाद और हार्ड वर्क करें, इंपॉर्टेंट कोई वजह नहीं कि आप पास नहीं करेंगे। पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है कोई भी आप काम करें। अगर आप अपने पे ये चीज़ तारी करेंगे, हम कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं, ओवर टाइम दे रहे हैं, तो अब अमूमन होता ये कि अब जो जनरेशन है
वो अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी है और वर्क प्लेस पर हैं, बस वीकेंड इन्जॉय करना है, फैमिली के साथ निकलना है, ये करना है, वो करना है, तो जब तक आप काम के साथ पैशनेट नहीं होंगे ना, तो आप इन्जॉय नहीं कर सकेंगे और आपकी लर्निंग नहीं बढ़ेगी. वेरी ट्रू, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है आपको. 4-5 साल जो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें भूल जाना है अपना थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को. उसके बाद बहुत मौके आएंगे, आप एंजॉय करेंगे. देखिए, दफा पर्सनल लाइफ को तो आप ना बोलें, सोशल लाइफ को थोड़ा सा आप कम कर दें, आप प्रायोरिटीज को सेट कीजिए. हाँ, सोशल हम तो सर जब हम पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ते हैं 10 चीज़ें, तो हम तो कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते थे खुशी खुशी की, आज सुबह जो है फला कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ इंटरेक्शन रहेगा. और कुछ लोग जबरन कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे कि मजबूरी है कि टीचर ने पॉइंट्स एलोकेट किए. जो टीचर्स ने पॉइंट एलोकेट किए करके अटेंड करते थे, उनको कुछ समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है. और जो शौक से करते थे कि जी पीआर बनेगी, इंटरेक्शन होगा, 10 चीज़ें सुनने को मिलेंगी, लैपटॉप लेके खोले हुए होते थे और माइक्रोसॉफ्ट पर चीज़ें नोट करते थे, ये सारी वो चीज़ें जो आपकी पर्सनालिटी में एक बिल्डअप कंपोनेंट के तौर पर रोल अदा करती हैं. मलिक साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो थोड़ी बहुत इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, फिर इसी कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे कि होगा क्या सीए का और हमारे पाकिस्तान में मजीद जो है इसका क्या रोल हो सकता है. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस.